तो हेलो भाई लोग, तो कैसे हो सारे? आई होप भी बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। तो आज फिर से आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो लेके। तो आज बात करने वाले हैं फ्री फायर के न्यू अपडेट और कुछ न्यू आइटम्स के साथ। कुछ इनक्यूबेटर आएंगे जो रिटर्न आने वाले हैं और अपना दो एक दिन में, मतलब कल या परसों शायद अपना जो क्या बोलते हैं उसको फेडेड व्हील है चेंज हो जाएगा। उसके बाद एक दूसरा फेडेड व्हील आएगा, तो देख लो गाइस ये वाला फेडेड व्हील अपने को देखने को मिल सकता है गाइस। तो देख लो गाइस और कैसा है आपको बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। और ये ओल्ड बंडल है, ठीक है, मतलब अभी का न्यू बंडल नहीं है गाइस, ये ओल्ड बंडल है शायद। तो फेडेड व्हील में अवेलेबल हो रहा है और आपको ये अगले दो एक तीन दिन में ये वाला देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इंक्यूबेटर दिखाऊंगा, साथ ही साथ और भी कुछ कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा। ग्लू वॉल और नया लूट बॉक्स अवेलेबल हुआ है, उसको भी दिखाऊंगा। तो जो भी बंदे चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप सिलेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पे फ्री फायर और लास्ट आइसलैंड ऑफ सर्वाइवल जो दूसरा गेम मैं खेलता हूँ LDRS, तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो दोनों गेम मैं खेलता हूँ गाइस, तो दोनों की वीडियो मतलब दोनों गेम से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप देख लो कैसे है लूट बॉक्स और कैसा बताना, मतलब लूटबॉक्स टोपी वाला है और ये वाला जो ग्लू वॉल है गाइस, इसको पहले ही मैंने दिखा दिया था, मतलब बहुत पहले मैंने इसको दिखाया था ग्लू वॉल की स्किन को, लेकिन अब आपको फिर से दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा था रिटर्न में है, लेकिन ये रिटर्न में वाला नहीं है गाइस, एक इवेंट का है जो आपको देखने को मिल जाएगा पहले ही, मतलब आगे। और रिटर्न की बात कर रहा था तो देखो गाइस ये है रिटर्न इनक्यूबेटर, फिर से आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक और इनक्यूबेटर है, अब दोनों में से कोई एक आपको अभी देखने को मिलेगा, उसके बाद कोई दूसरा आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा पहले आता है। तो गोल्डन जॉम्बी बंडल जो है, जॉम्बी समुराई जो अपने को पहले देखने को मिल सकता है, और इसके बाद आपको दूसरा बंडल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो छः छः बंडल है इसमें, मतलब टोटल छः बंडल है। तो छः में से कौन सा बंडल आपको अच्छा लगा टॉप दो बंडल को छोड़ के ज़रूर से ज़रूर बताना, ठीक है। अब आगे चलते हैं गाइस, और कटाना की स्किन भी इसके साथ अवेलेबल हुई है। तो अब है M1014, तो गाइस इसकी ईवोगन थी मेरे, मतलब ईवोगन कुछ दिन पहले आई थी और अब आ चुकी है एक न्यू स्किन जिसमें डबल रेट ऑफ फायर और रिलोड स्पीड प्लस के साथ मूवमेंट स्पीड माइनस कर दी गई है। लेकिन जो स्किन है काफ़ी ही मतलब अच्छी दिखती है, लेकिन अब इसमें जो एट्रीब्यूट है वो काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें गोली धड़धड़ा के निकल जाएगी और बंदे को डैमेज वगैरह नहीं मिलेगा ज़्यादा, तो इतना कुछ खास नहीं है। जो अपना ईवो M10 था वो ज़्यादा खास था, ठीक है। और एक न्यू इवेंट अवेलेबल हुआ है बाहर के सर्वर पे, तो इवेंट अपने इंडिया सर्वर के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो इवेंट है बाहर के सर्वर वालों के लिए है, अपने इंडिया के लिए अलग इवेंट आने वाला है। और फ्री फायर वाले अभी तक जो अपना रेड क्रिमिनल है बांटे जा रहे हैं, मतलब लूटे जा रहे हैं फ्री फायर वाले रेड क्रिमिनल को दिखा दिखा के, तो क्या ही बोल सकते हैं अब। और साथ ही साथ एक और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 5th एनिवर्सरी का जो मेन अपने का जो ये रिवॉर्ड थे वो अभी तक अपने को मिले नहीं है, तो बहुत जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें अभी तक बाहर के सर्वर पे आए हैं लेकिन अपने इंडिया सर्वर पे नहीं आए हैं। तो इनक्यूबेटर की बात कर रहा था दूसरा वाला, तो देख लो गाइस ये है एक और इनक्यूबेटर, और ये वाला आपको कैसा लगता है बता रहा, मुझे फीमेल का ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और आई होप आपको भी पसंद आता होगा। और रिटर्न में आएगा, ठीक है, ये वाला पहले भी अवेलेबल हो चुका है। तो रिटर्न इनक्यूबेटर है, और साथ ही साथ इसका मेल बंडल भी काफ़ी ओपी है, इसका हेयर तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो देख लो और कौन कौन सा आपको पसंद है जरूर से जरूर बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप सिलेक्ट जरूर कर लेना। और आपको LDRS से रिलेटेड वीडियो भी इसी चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो जो बंदे LDRS गेम खेलते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये है अपना बुया बंडल जो बुया इवेंट पे आया था और फिर से अवेलेबल हो रहा है, मतलब रिटर्न आए जा रहे हैं करना वाले 2022 तक लगभग सारी चीज़ अवेलेबल करवा देगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको टॉपअप ना हो सके तो बिल्कुल मत करना गाइस, क्योंकि टॉपअप करोगे तो आपका बड़ा लंबा डैमेज चला जाएगा, ठीक है, मतलब क्या अच्छा, जो भी हो हमको सिखा रही है। टॉपअप बिल्कुल मत करना गाइस, क्योंकि मैं टॉपअप करना बिल्कुल छोड़ दिया हूँ। और आई होप गाइस आप टॉपअप करना छोड़ दोगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।